दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब सत्तू खाने के ज़रा फ़ायदे बताओ, सत्तू क्या चीज़ है, कैसे बनता है, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने हमसे कमेंट कर पूछा है, तो सोचा कि आज वीडियो बना दूं मैं सत्तू के ऊपर। दोस्तों सत्तू आप लोगों ने सुना होगा ना, भुने हुए चने का पाउडर है, यानी चने भून करके आप छिलके निकाल दो उसके, आप घर पे मिक्सी में भी उसको आप पाउडर बना करके यूज कर सकते हो। यह बिकता भी है, दुकानों पे बिकता भी है, आप ऑनलाइन अमेजन से भी मंगा सकते हैं, आप चाहो तो मिल जाएगा। दोस्तों सत्तू एक फेमस मतलब खाद्य पदार्थ है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, पूर्वांचल यूपी के क्षेत्रों में ये बहुत आयत से खाया जाता है, खासकर गरीब लोगों का ये आहार माना जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से इसका क्रेज़ बढ़ा है, खाने का क्रेज़ बढ़ा हुआ है, अच्छे अच्छे VIP लोग इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों आखिर इसमें क्या खासियत आ गई है, एक इसके बड़े बड़े VIP लोग इसका यूज करने लगे, जो कि एक गरीबों का भोजन हुआ करता था और आज भी गरीबों का ही भोजन है, क्योंकि सस्ता है, अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मैं आज पूरी शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि सत्तू खाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे खाना चाहिए। आप लोग मेरे वीडियो एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझेंगे। दोस्तों नए व्यूअर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों, और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को जल्दी नहीं बताएगा। दोस्तों बताया ना, सत्तू भुने हुए चने का छिलका निकाल के उसको आप मिक्सर में पीस ले, घर पे पाउडर बना ले, या बिकता भी है, रेडीमेड सत्तू बिकता है, ऑनलाइन भी आता है, आप मंगा सकते हो। दोस्तों इसे कुछ 5-6-7 फायदे बताएंगे, आप लोग ध्यान सुने और समझें। दोस्तों पहला नंबर, दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया समुचित आहार है, प्रोटीन पूरक। दोस्तों सत्तू में 100 ग्राम में 25 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, एक बहुत ही उच्च कैटेगरी का आहार है ये, और करीब करीब संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, इसको कोई भी आदमी ले सकता है, औरत, बच्चे, जवान, ये कोई नुकसान नहीं करता, साइड इफेक्ट नहीं करता, और एक आपको पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होता है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको इससे भरपूर मात्रा मिलेगा। दोस्तों यह सुपाच्य होता है, इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप 1-2 चम्मच सत्तू लिया, एक गिलास पानी लिया, थोड़ी डाल दो काला नमक, थोड़ी नींबू का रस डाल करके इसको मिला करके आप पी लोगे तो यह आपको बहुत ही पेट में तरावट और ठंडा लाता है, गैस की मरीजों का भी फायदा करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, भूख बढ़ाता है, या जिन लोगों को भूख कम करना है वो कृपया इसका इस्तेमाल करें, तो भूख को भी कम करता है ये, यानी जिनको, जो लोग मोटापा से ग्रसित हो, इसका इस्तेमाल करें, खाने के पहले इसको पी लेंगे तो खाना कम खाएंगे, क्योंकि दोस्तों पेट में आगे फैलता है ये, तो वैसे ही भूख को ही मार देता है, भूख लगेगा ही नहीं है। तो आप जिन लोगों को भूख कम करना हो, जिन लोगों को मोटापा कम करना हो, जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना हो, कृपया सत्तू का इस्तेमाल करें। दोस्तों बहुत ही निरापद, बहुत बढ़िया, बेहतरीन विकल्प है ये वेट लॉस करने के लिए। इसके दोस्तों जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई हो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट के रोगी इसको ले सकते हैं, इसको मतलब यह एक मतलब मरीजों के रूप आहार रूप में है, क्योंकि सुपाच्य है, इसको कोई मरीज आराम से ले सकता है। खासकर दोस्तों देखना, बहुत सारे लोग इसको पानी में गोली बना बना करके गरीब लोग खाते हैं। दोस्तों यह बहुत ही बताया ना, उच्च कोटि का पौष्टिक आहार है, बहुत सारे लोग नमक डाल के इसका गोली बना बना के खाते हैं, बहुत सारे लोग इसके सत्तू का गोली बना के उसमें गुड़ मिला करके गोली बना के खाते हैं। दोस्तों गुड़ मिलाने पर इसकी गुण कई गुना बढ़ जाते हैं, इसमें पावर कई गुना बढ़ जाती है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ताकत देता है, ठीक है। जिन लोगों को पेट की तमाम रोगियां, जैसे किसी को बिस्लरी पेचिस हो, संग्रहणी हो, या मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, वो इसका इस्तेमाल करें, उनको काफ़ी इसमें राहत और फ़ायदा मिलता है। दोस्तों सत्तू बताया ना कि यह इतनी गुणवत्ता से भरपूर है कि इसके अनेकों फायदे हैं। यह यदि किसी भी, जैसे कोई गर्भवती माता है वो भी इसको ले सकती है, कोई बच्चा भी है यदि इसकी उम्र 8-10 साल से ऊपर वो भी इसको ले सकता है, कोई नुकसान नहीं करता है। यानी यह ठोस में खाया जाता है और इसका जूस बना के भी, मतलब घोल के शरबत बना के भी पी सकते हो। तो दोस्तों यह बता दिया मैं, हाँ जिन लोगों को हार्ट के रोगी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ना, क्योंकि इसमें प्रोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, बताया ना 100 ग्राम में 25 ग्राम इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अतः हार्ट के रोगी इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी कोई आदमी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, सुपाच्य है, किडनी बढ़िया से इसको फिल्टर करती है, किडनी रोगी भी इसको ले सकते हैं, यूरिन के रोगी भी, पेशाब के रोगी, मूत्र रोगी भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, बुखार हो, तपेदिक हो, क्षय रोगी हो, कोई भी रोगी इसको ले सकता है, बहुत ही सुपाच्य होता है, बढ़िया होता है।
बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, अतः इसे कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। आप इसको सर्च कर सकते हो, गूगल मिल जाएगा, सप्लाई भी बहुत कंपनियाँ ऑनलाइन करती हैं, या आप घर में भी बना सकते हो, ये कहीं से मंगा सकते हो, ये उपलब्ध है, सब सुलभ है। अतः आप लोग यदि मेरा सलाह अच्छा लगा हो, जो मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।